तो भाई 67,000 में इतना सब कुछ लग चुका है, आपकी गाड़ी बेस्ट टू टॉप हो चुकी है। और फ्रंट से जैसे ये देखो टॉप मॉडल वाली हेडलाइट, टॉप मॉडल वाली हेडलाइट, और उसके बाद ये अंदर के ट्यूटर सैश हो गए, ये भाई कनेक्टिंग लाइट हो, कनेक्टिंग टेल लैंप है, और ये आजकल फ्रोन्स वाले भाइयों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। और क्या अभी हमारे पास आर्मरेस्ट हो गया, जैसे अभी ये डिग्गी पट्टी हो गया, अच्छा ये डोर वाइजर हो गया। सबसे पहले लगाओ DRL, आपकी गाड़ी आर पार हो गई फ्रंट साइड से। स्पीकर की इतनी सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी, M-Tracks, JBL, DD Audio, Infinity, Morel, Blopper। और यहाँ पर एंड्रॉइड की बात करें तो ये देखो, ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है ये पूरा एंड्रॉइड, आपको डिस्काउंट नेक्सा जेन्युइन पार्ट, नेक्सा जेन्युइन पार्ट पे दे रहे हैं। इसके अंदर नाम के हमने हेडलैम्प के अंदर 220 वोल्ट की LED लगाई है। साइड के अंदर हमने एक तो साइड मिरर किया चेंज, ऑटो फोल्ड, हाँ टॉप एंड मॉडल, ये इसका हो गया OEM ट्रे हो चुकी है। सीट कवर की क्वालिटी चेक आउट कर लो भाई, ये देखो। बात करते हैं एक बार म्यूजिक प्लेयर की, तो यहाँ पे हमने 9 इंच का स्टीरियो लगा दिया। आवाज एकदम क्लियर आर पार। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो भाई मैं फिर से हूँ कृष्णा कार श्रृंगार पे, और मेरे साथ में सूरज भाई। कैसे भाई? बढ़िया भाई। तो आज क्या दिखाने वाले हम? आज अपनी फ्रॉन्स, फ्रॉन्स का कौन सा मॉडल है, क्या क्या लगाया है, वो सारी चीजें। फ्रॉन्स सिग्मा मॉडल है, अच्छा 2023 में लॉन्च हुआ, और आज का ही मॉडल है। आज का ही मॉडल है जो कि इनके पास खुद भी पर्सनल है, लेकिन मैंने कहा आपको दिखाऊंगा, वो जरूर दिखाऊंगा। जिस दिन उस गाड़ी की पूरी मॉडिफिकेशन करेंगे उस दिन जरूर दिखाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, बात करते हैं फ्रंट साइड से ले लेते हैं एक बार, है ना। हाँ हाँ, बारिश का ही मौसम हो रहा है, बारिश की बूंदे शुरू हो चुकी है, शायद ये शूट पूरा हो जाए मेरे ख्याल से उससे पहले, तो एक बार देख लेते भाई। फ्रंट साइड में भैया यहाँ पे क्या क्या है? फ्रंट साइड पे हमने कुछ नहीं किया, जैसे भैया इसका DRL चेंज होता है, ठीक है, वो भैया ने नहीं करवाया। अवेलेबिलिटी है ना अपने पास DRL? बिल्कुल है भैया, अभी हाथ के आती दिखाएंगे आपको, ठीक है। और इसके अंदर नाम के हमने हेडलैम्प के अंदर 220 वोल्ट की LED लगाई है। किस कंपनी की लगाई है? ये वर्ल्टेक लगाया है इसमें। हाँ, 220 वोल्ट वारंटी वगैरह? हाँ, दो साल जी भाई। और ये भैया का थोड़ा यहाँ साइड से ना लगा हुआ था, अच्छा। तो सेफ्टी के लिए भैया ने यह डोर गार्ड का टाइप का लगा दिया इसका गार्ड। अच्छा, तो यूनिक चीज हो गई ये वाली। हाँ, और बात करें यहाँ की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे साइड के अंदर हमने एक तो साइड मिरर किया चेंज, ऑटो फोल्ड, हाँ टॉप एंड मॉडल विद, जो गाड़ी ऑन ऑफ में खुलेगा बंद होगा उसका दिए, फेंडर के लिए आ गया। ये साइड्स में हो गया, जो इंडिकेटर आता है उसको हटा के हम ये लगा देते हैं। इंडिकेटर आता है, हमने उसको हटा दिया। हाँ, मिरर में हमारे इंडिकेटर आ चुका है। बिल्कुल। हाँ, हमने ये लगा के साइड वेंट लगा दिया। बिल्कुल, उसके बाद साइड बीडिंग लगाई है। ये हैंडल है, आफ्टर मार्केट है साइड बीडिंग इसकी, ये जेन्युइन है, जेन्युइन है बिल्कुल। उसके बाद हैंडल क्रोम, डोर गार्ड, लोअर गार्ड नहीं, डोर वाइजर, ये सारी चीज हो गई। बाहर की एक्सेसरीज, ये बाहर की हो गई। हाँ, हो गया ना अपना, ये डोर वाइजर भी हो गया, लोअर गार्निश भी हो गई है, और हैंडल क्रोम भी हो गया। हाँ, इवन जो अपने गार्ड होते हैं वो भी लग चुके हैं। बैक साइड की बात करो, उन्होंने गार्ड लगवाया है, ठीक है, सेफ्टी के लिए गार्ड लगा लिया। बिल्कुल, भैया ने कनेक्टिंग लाइट नहीं लगाई। अच्छा, हाँ, कैमरा की प्लेसमेंट हमने यहाँ किया है, ये देख सकते हो आप इस जगह को, और आप चाहो तो यहाँ पर भी करा सकते हो। हाँ, इसमें जो चीजें आपको जहाँ मन करता वहाँ करा लो, यहाँ से विजिबिलिटी अच्छी आती है और यहाँ से बढ़िया आती है। हाँ, ये ट्रे वगैरह कुछ हमने लगाया है ना, ये इसका हो गया OEM ट्रे हो चुकी है। हाँ, ये प्रॉपर LED जो हमने डाली थी वो यही। हाँ, और बाकी सारे सामान इधर है, वो तो सारी चीज हम दिखाते हैं ना। तो ये कुछ बाहर का था सीन ना, इसमें ये पहले से लगा हुआ आता आता पहले से लगा आता। चाहे बेस मॉडल भी लो ना, बेसी है मॉडल है, इसमें उसी कलर का ही लग के ही आएगा। बहुत बढ़िया। तो एक बार भाई इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं, और जाके फंक्शन वगैरह सारी चीज चेकआउट कराता हूँ, क्योंकि बाहर तो बारिश होगी आपके सामने, लेकिन एक बार अंदर की तरफ चलते हैं, सारी चीज चेकआउट कराता। बात करते हैं सबसे पहले डोर पैनल की, जो कि आजकल सभी गाड़ियों के अंदर हम लोग करते हैं, चाहे वो बलिनो हो, फ्रोन्स हो, सब में करते हैं। तो यहाँ सॉफ्ट टच कर दिया अभी, सॉफ्ट टच, बिल्कुल सॉफ्ट टच कर दिया आपने। ये इंपोर्टेड वाला, आप इसके अंदर यूज कर दो सीट कवर। हाँ, ये रॉयल टच है, ये रॉयल टच वाला लगाया। उसके बाद एक बार आप सीट कवर की क्वालिटी चेकआउट कर लो भाई, ये देखो। भैया को ब्लैक ब्लू पसंद था तो ब्लैक ब्लू लगाया है। अच्छा। फ्लोरिंग भैया ने पहले कहीं करा रखे हैं, ठीक है, मैंने उस पे 70 मैट लगाया है, ठीक है। ये OEM मैंने स्टिच कराया स्टेयरिंग कवर, ठीक है। उसके स्टेयरिंग रिमोट्स लगा दिए इसके अंदर, स्टेयरिंग चेंज नहीं करा, रिमोट लगाया है, ये कंफ्यूजन दूर ना हो इसने बताया। आपको चाहो तो चेंज भी करा सकते हो, अवेलेबिलिटी पूरी है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, खाली बटन्स भी है और चेंज भी है, दोनों ऑप्शन है। तो भाई यहाँ पर अपना स्टीयरिंग भी चेंज हो चुका है, इसके गियर नॉब चेंज हो चुकी है। हाँ, आर्मरेस्ट इसके अंदर इंस्टॉल नहीं करा भी है ना, शायद जरूरत नहीं होगी तो उन्होंने। हाँ, उन्होंने नहीं करा, उन्होंने जैसे देखो DRL, आर्मरेस्ट, पीछे कनेक्टिंग टेल लाइट नहीं कराया, बाकी चीजें कराई है अपने पास, अवेलेबिलिटी सारी चीज की अभी हम दिखाएंगे सारी चीज।
उसके बाद बात करते हैं सीट कवर्स की। तो सीट कवर की तो भैया गारंटी होती है, वारंटी होती है, कितना टाइम तक चलते हैं रॉयल टच वाले आपके सीट कवर? डेढ़ दो घंटे तक चलते हैं। डेढ़ दो घंटे तक चलते हैं। जैसी गाड़ी लेके निकलोगे अपने आप बीच में दरार लग जाएगी, फट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। लाइफ टाइम वारंटी होती है भैया हमारे, है ना, सीट कवर की। आप आएंगे ना, जब एक बार आप लगवाएंगे तो आप अच्छा फील करेंगे बैठ के ना, तो आप खुश होंगे ना, तो मेरी सबसे बड़ी जीत होती है, ठीक है। और आपको खुश करना ही मेरा काम होगा। तो भाई आपने जो सीट कवर ये वाले लगवा लिए रॉयल टच वाले, या इससे ऊपर भी फिनिश में बहुत सारे भैया के पास अवेलेबल बहुत है, तो आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। एक बार मैं आपको शॉप के अंदर दिखा भी दूंगा। बात करते हैं एक बार म्यूजिक प्लेयर की। तो यहाँ पे आपने 9 इंच का स्टीरियो लगा दिया इसके अंदर। हाँ, अब ये देखो। अच्छा, डैम्पिंग भी करी है? बहुत बढ़िया। तो भाई गाड़ी के अंदर डैम्पिंग भी है, डबल साइड डैम्प, डबल साइड है। हाँ, ये देखो ना, ये देखो स्पीकर कौन से यूज करें हमने? स्पीकर इनफिनिटी। इनफिनिटी आवाज तो फिर बढ़िया आ रही होगी। बढ़िया। तो एक बार गाड़ी के अंदर बैठते हैं, एक बार स्टीरियो चेकआउट करते हैं। स्टीरियो कौन सी कंपनी का बताया आपने? ₹600-700 का खर्च होता है, ऐसा फ्लिप की बन जाती है। तो आपका जो रिमोट है अब आपका कुछ ऐसे हो जाता है, फ्लिप की टाइप हो गया ना, फ्लिप की बन जाती है, अंदर चलेगी चाबी और कुछ ऐसा रिमोट आप लटका। अभी देखो, अब हमने गाड़ी बंद की। अच्छा, साइड मिरर फोल्ड हो गया अपना, ओपन करेंगे, अनलॉक भी हो गया। एक बार हम इसकी की लगाते हैं, और यहाँ पर जो इसके बटन दिख रहे हैं आपको, जो कि कंपनी आपको बेस मॉडल में नहीं देती है, बट बात करें अगर यहाँ की, तो यहाँ से भी आपके ये मैंने बटन दबाया, फोल्ड हो गया। जैसे मैं इसको दोबारा करूंगा वन फोल्ड हो जाएगा। बाकी आप इसको यहाँ राइट करके लेफ्ट करके इसको सेट भी कर सकते हो। आप लोगों को पता ही है, इतने टाइम से हम लोग करते हुए दिखा रहे हैं आपको। बाकी एक बार ना गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखो भाई, गाड़ी हमने स्टार्ट कर लिया। और प्लेयर की बात करते हैं तो कितने जीबी वाला भैया, क्या कह रहे हैं? 2 GB, 232। 232 का प्लेयर है। और इसमें एप्पल कार प्ले वगैरह? एप्पल कार प्ले वाला नहीं है इसके अंदर, ये प्लेन है। हाँ, इन्होंने सिंपल लगाया। तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर बजट। तो अगर आप भाई डलवा रहे हो ना, तो भाई कुछ ऐसा करवा लो, कुछ भी चीज़ अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है एप्पल कार प्ले कभी यूज नहीं करना, ब्लूटूथ से काम चल जाएगा, तो वो चला लो, क्योंकि हॉटस्पॉट यूट्यूब वगैरह सारी चीज चलती है। अब देखो ना भैया, ये सेट का टच देखो, बहुत प्यारा है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे करा, अब ये मेरे उससे दुकान के वाईफाई से कनेक्ट है, सूर्या 4G, ठीक है भैया। अब आप इस पे चमत्कार तो कर दो, एक बार गाने चला के कुछ सुना तो दो, चमत्कार वाली बात भी तो हो जाएगी। चमत्कार को नमस्कार है। अभी अभी आप बिल्कुल सुनाते हैं। तो भाई चमत्कार जो हो गया ना इसके अंदर विदाउट एप्पल कार। और एक चीज और मैं बोलना भूल गया, इसके अंदर है ना इन्फिनिटी के नहीं JBL के कंपोनेंट्स है। अच्छा, ऐसा भी है क्या? हाँ, मतलब कंफ्यूजन हो गया था मेरे को। सारी गाड़ियां होती है भैया, बुलेरो खड़ी है, बलिनो खड़ी है, इतनी सारी गाड़ियां खड़ी है, हो सकता है कंफ्यूजन हो जाता, लेकिन कोई नहीं, सच्चाई बता दी है सबसे बड़ी बात, कि भाई जो हमारा वीडियो जब घर जाके देखेगा अपनी गाड़ी की, तो वो ये बोलेगा इन्फिनिटी तो डले नहीं थे ना, कैसे दिया, ऐसी बात होगी ना। तो इन्होंने वो चीज सच्चाई बोल दी। और यहाँ पर देखो, ये पूरा स्टिचिंग करवा दिया इसी के ऊपर, OEM टाइप। और स्टीयरिंग देखो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारी जो थीम है ना वो ब्लैक। अब भैया क्या होता है कि है ना, कि अब जो बेस मॉडल होता है, सॉरी बेस कह रहा हूँ, जो टॉप मॉडल का स्टीयरिंग होता है उसके अंदर स्टिच आता है, और ये जगह दिखाओ, इस जगह पर वहाँ सिल्वर होता है। बट कई भाई क्या करते हैं, गाड़ी का पूरा इंटीरियर चेंज कराते हैं। अगर टॉप मॉडल वाला स्टीयरिंग होता है ना, तो आप उस पर स्टीयरिंग रैप नहीं कर सकते हैं। सही बात है। और ये हमारी अपनी चॉइस हो जाती है कि मैं जैसा मर्जी कराऊं। कैसा भी आप कर लो, उसमें क्या होता है, पहले आपको ये रैप निकालना पड़ता है, उसके बाद ही कुछ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार इसको ना आवाज सुना तो, एक बार इसके अंदर आपकी ये देखो भाई, साउंड सुन लो एक बार आप। देख रहे हो भाई, आवाज एकदम क्लियर, आर पार बढ़िया, JBL जैसा कंपोनेंट आवाज जो देता है। इवन आप कल को इसके अंदर एम्पलीफायर लगवा सकते हो ना स्पीकर पे? बिल्कुल लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। भैया देखिए, अब ये इन्होंने JBL लगाया। हाँ जी। अब इससे ज्यादा मेरे को पसंद था कि अगर यही M-Trax का ही कंपोनेंट को एक्सल लगाना, तो एक तो रेट भी उससे कम, चीज भी बहुत जबरदस्त होती है। JBL भी वेरी गुड ब्रांड और आवाज बहुत अच्छी है। M-Trax का भी अच्छा है, इन्फिनिटी भी अच्छा है, DD भी अच्छा है, मोरल भी।
जैसा आपका बजट वैसा। आप इस पे आप एम्पलीफायर भी कनेक्ट कराओ, उसके साथ बूफर भी लगाओ, एक ही एम्प पे आपके स्पीकर्स भी चलाएंगे, एक एम्प पे आपका बूफर भी प्ले हो जाएगा। ठीक है, एक ही आपने ट्विटर शैश भी लगा दिया। हाँ हाँ, ट्विटर शैश तो लगाते ही है ना भाई। शैश भाई देखो, उसका पुराना वाला जो होता है उठाना, वो प्लास्टिक वाला, ये देखो कुछ ऐसा कंपनी लगा के देती है आपको प्लास्टिक। अब मैं इसके ये देखो, ये चीज अब मैं नहीं लगाऊंगा ना तो फिर लड़का इसको होल करेगा, कटिंग करेगा और फिर यहाँ लगेगा। अब ये अपना OEM लुक लग रहा है। ठीक है, अगर आपका बजट थोड़ा कम है, नहीं लगवाना चाहते, वैसे तो ज्यादा महंगे है नहीं है, कितने का है? 200-400 रुपए का होगा, 400 रुपए का। लेकिन अगर आपको ये चीज लगवानी नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं बेकार है, तो इस पे भी आप कट करके लगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो तो आपकी चॉइस है भैया, इसमें कमाई भी इतनी नहीं है जो हम बोले आपको फोर्स करें, जनरल चीज में फोर्स ही नहीं। ये एम्बियंस लाइटिंग लगी है। अच्छा, तो ऑन क्यों नहीं हो रही है? K2 वाली है ना ये तो। हां, K2 वाली है। अभी ऑन हो सकता है, यहाँ से चालू होगा। अभी देखो, अच्छा हाँ, इसी के अंदर डाल दिया। हाँ, यही से ऑन कर लो। हाँ, अब देख लो भाई, इसका जो एम्बिएंट लाइट है वो अब चालू भी हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ भी चल रही है, यहाँ भी चल रही है, चारों तरफ अपना जो है वो आर पार वाला, पीछे तक देख लो सारा सीन जो सिक्स पीस है। मैं कहता हूँ अगर इससे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आपको चाहिए, वैसे तो काफी अच्छी चल रही है, क्योंकि कार्डी कंपनी की भैया, कार्डी की है। बट क्या है, हम जो सजेशन करते हैं ना, मेरे दिल से K3 K4, क्योंकि इसे पूरी में LED होती एक है। तो LED होती है, और सबसे बड़ी जैसे ये पाइप है ना, वो स्ट्रिप्स होती है और उसकी रोशनी बहुत तेज होती है। और आप चाहो, जैसे आपको रोशनी गाड़ी चलाते हुए रोशनी तेज लग रही है तो यू कैन ब्राइटनेस कम कर सकते हो, ऑटोमेटिक नाम के उसका ब्राइटनेस हो जाएगा। म्यूजिक ऑप्शन आ जाते हैं, सब चीज ऑप्शन। ये देखो, अब ये देखो, अपने नाम के जैसे मैं करूंगा वैसे उस हिसाब से नाम के सेट हो जाएगा। ठीक है भाई, बात करते हैं। देखो ये ब्लू कलर की हो गई है, अब ये देखो ब्लू कलर की चेंज हो गई है। तो कलर वगैरह सारे चीज सारे कलर होते हैं, बट इसमें क्या होता है, यहाँ पर ना एक साइड में इसके अंदर लगा होता है एक लेंस जो कि पूरी लाइट पे मारता है। तो ये होती है अपनी K2 वाली, K2 कुछ आपको ऐसे आप देख सकते हो। आप जैसे यहाँ दिखाओ, हाँ जी, ये देखो यहाँ की रोशनी बिल्कुल ज्यादा है और यहाँ पर आते आते नाम के वो कन्वर्ट होती है। लेकिन रात को थोड़ी ठीक लगेगी, अभी दिन के टाइम पे ऐसी लग रही है। ये देखो ना, यहाँ अंधेरा दिख रहा है, तो वो देखो लाइटिंग बिल्कुल पूरी चल रही है। चल ये भी रही है, बट वो ये कि रिस्पॉन्स ज्यादा है। ये देखो ना, जैसे बिल्कुल ही रोशनी है, यहाँ पे नजर आ रही है और वहाँ कोने में नजर आ रही है, बीच में कम नजर आ रही है, लेकिन रात में पूरी नजर आएगी। और मेरा वो है कि आप आज की डेट में K3 K4, बंदों ने K4 का नाम रख दिया, K5 K6 जैसा कुछ नहीं होता, ओनली फॉर मेट K2 K3 K4, तीन ही लाइन आती है। अब उसको आप जैसे मर्जी चमकाओ। K4 के अंदर क्या होता है कि वो रनिंग भी करेगी, उसके बाद अगर आप उसको कांस्टेंट रखना चाहो तो कांस्टेंट रख सकते हो। K3 क्या होता है कि वो रनिंग नहीं करेगी, कांस्टेंट रहेगी। ब्राइटनेस आप जिस मर्जी में कम ज्यादा कर सकते हो। बहुत बढ़िया, तो भाई ये सारी मॉडिफिकेशन आपकी कर दी है फ्रॉन्स के अंदर। और अगर मैं इस टोटल बिल की बात करूँ उसके, तो कितना हो गया अप्रोक्स? 65-70 हजार भी मान लो, 60-65 हजार में आपकी गाड़ी पूरी इस तरह की रेडी होती है। इसके अंदर आपकी जितनी भी नेसेसरी वाली चीज़, अभी यहाँ पे बैठे बैठे आप देखो, लाइट जलाओ, हेड लाइट ऑन कर देना। ये देखो, ये देखो भाई, ये रात है भैया, अभी अभी दिन है, ये दिन है, दिन है, और दिन में लाइट का रिस्पॉन्स चेकआउट कर लो। ये देखो आर पार का रिस्पॉन्स है, फुल तेज, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन मतलब नहीं, लाइट को तो चीटते हुए निकलना, वो अंदर तक चीटती हुई निकल जाएगी, जहाँ तक भी जा सकती है। बढ़िया चल रही है, क्योंकि भैया मेन चीज क्या होता है कि लाइटिंग ही सबसे बड़ी पावर है। जब रात को हम गाड़ी लेके निकलते हैं, अगर लाइट बंद रह गई ना, तो हम गाड़ी नहीं ड्राइव कर सकते, अंधेरे में थोड़ी ना चलाएंगे गाड़ी। तो लाइट हम चेंज कराते हैं, येलो से व्हाइट कराते हैं, बट उसका रिस्पांस अच्छा होना चाहिए ना। आप जैसे ये देखो, इंटीरियर दिन के अंदर भी इतनी क्लीन लाएगी, बट ये K2 है। अब इसी में K3 होता ना, K4 होता, तो उसकी लाइटिंग थोड़ी अलग होती है। तो भाई कुछ इस तरह की मॉडिफिकेशन आपकी गाड़ी के अंदर कर दी है, अगर आपको करवानी है आप लोग विजिट कर सकते हो फ्रॉन्स। अगर आपने खरीदी है फ्रॉन्स के, इनके पास सारे पार्ट अवेलेबल है, अगर खरीदी है तो आप लोग विजिट कर सकते हो कृष्णा कार श्रृंगार पर। सो गाइस, आपने फ्रॉन्स की वीडियो चेकआउट कर लिया, बात करते हैं इसके जितने भी जेन्युइन प्रोडक्ट है उनकी। तो क्या क्या है हमारे पास सूरज भाई दिखाने के लिए? भाई जैसे फ्रंटी का फ्रंट से, जैसे ये देखो टॉप मॉडल वाली हेडलाइट, टॉप मॉडल वाली हेडलाइट जो की बहुत कम लोग इसको पसंद कर रहे हैं, पसंद, लेकिन रखना तो मुझे पड़ेगा ना। मेरे पास होता है, सही बात है। अभी तो, दो या तीन सेट है अभी, तीन सेट है। जिन भाई को पसंद होगा वो जरूर लगवाएंगे, जिन भाइयों को उसका शौक है वो लगवाएंगे लगवाएंगे। लेकिन हमारा कहना यह है, जो आपकी हेडलाइट है वो बहुत प्यारी है, LED डाल दो, LED नाम के 220 वॉट की डालो, टनाटन उसका नाम के, रोशनी बहुत प्यारी है,
और लुक तो है ही भाई, लुक तो है ही। और बात करते हैं डीआरएल की, ये लगवा लो, ये लगवाओ, जरूर लगवाओ। इससे पहले ये लगाओ, ये लगाओ सबसे पहले, अगर आपको हेडलाइट का मन हो छोड़ दो, सबसे पहले लगाओ डीआरएल, आपकी गाड़ी आर पार हो गई फ्रंट साइड से, बिल्कुल है ना। उसके बाद ये साइड मिरर, ये साइड मिरर जो अभी हमने इस गाड़ी के अंदर लगाया ऑटोमेटिक वाला, एक बार खोल के दिखा दो भाई, इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसे काम करता है, वो सारी चीजें आपको दिखाऊंगा भाई। ये देखो भाई, ब्रांड न्यू आप लोगों के लिए बिल्कुल, ये देखो ठीक है, ये हो गया अपना साइड मिरर। और कुछ ऐसा ये आप लगा सकते हो, ब्लैक कलर में आता है। अब ये खुल के चाहो तो इधर पेंट के लिए, पेंट के तो लिए पेंट का बॉडी कलर का हो जाता है। वैसे मैं कह रहा हूँ ब्लैक कलर किसी भी कलर में लगा लो आप, डुअल टोन बन जाता है। मैंने अपनी गाड़ी के अंदर अगर मैंने लगाया ना तो मैंने ब्लैक ही रखा, ब्लैक ही लगाया है मैंने, नाम के उसके अंदर उसको चेंज नहीं किया। वो इसलिए चेंज नहीं किया हाँ जी, क्योंकि जो बॉडी कलर कवर का जो पेंट होता है, जो जिस गाड़ी का पेंट होता है और हम बाहर से कराए ना तो वो मजा नहीं आता। मतलब जो कंपनी आपको ये ब्लैक कलर का पियानो में करके दे रही है, इसमें और बाहर से कराने में आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिफरेंस फील हो गई होगा, इससे अच्छा आप ब्लैक लगा लो। समझ लो ब्लू गाड़ी है अपनी, ब्लू फ्रॉन्स है हाँ जी, आप चाहोगे उसको मैं ब्लू करा लूं ठीक है तो, बट ब्लू कलर जो होगा ना वो 100% मैच नहीं कर सकता गाड़ी के कलर से हाँ जी, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको दिखेगा दिखेगा दिखेगा। और उसके बाद ये अंदर के ट्यूटर सैश हो गए, जो अभी हमने आपको गाड़ी के अंदर ट्यूटर सैश दिखाया था, गियर नॉब हो गया। इसकी एक बार कीमत तो दिखा दो भाई ट्यूटर सैश की, ये देखो ट्यूटर सिर्फ 72 रुपए भाई, 250 रुपए बता रहे थे तुम। अब मेरे को पता नहीं, चलो दो पता होता है ना मेरे को। अच्छा 72 रुपए यानी कि आपको साथ साथ 140 रुपए, 150 रुपए में आपको लगा लो, लगा कर 100-150 में खेलने पड़ जाएगा। देखो ये देखो भाई इनर हैंडल, इनर हैंडल, ये बाइन बताए थे 1000 रुपए के चार बताए थे आपने, 1000 रुपए के चार समथिंग ऐसे कुछ बताया था उन्होंने, वही रेट है जो भी आप लोगों ने वीडियो में देख रखे। और ये देखो अफीम चीज, ये भाई कनेक्टिंग लाइट हो, कनेक्टिंग टेल लैंप है, और ये आजकल फ्रोन्स वाले भाइयों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, हेडलाइट से भी ज्यादा गॉर्जियस लगता है बिल्कुल। फ्रंट का डीआरएल और बैक की टेल लाइट दोनों गजब, गजब है ना बिल्कुल गजब। फ्रंट की डीआरएल लगा लो, बैक की टेल लाइट लगा लो, गाड़ी आपकी टॉप मॉडल बन गई। ये दो चीज लगाते हैं। आ गया आपका आर्मरेस्ट, आर्मरेस्ट की बात करें तो भाई देखो टोटल ये जो आर्मरेस्ट है आपका, ये बेसिकली सिर्फ फिट होने वाला होता है, इसको सब अपना पुराना सामान निकालो उसी जगह पे स्नग फिट होता है। ये कोई बाहर का थोड़ी ना, मारुति जनवन है, मारुति जनवन है। और जो भी पार्ट्स होंगे चाहे वो आफ्टर मार्केट हो या जेन्युइन हो हाँ जी, मैं आपको बताऊंगा आप मेरे से पूछोगे तो ठीक है कि दिस इज आफ्टर मार्केट, दिस इज मारुति जेन्युइन। अच्छा इसके जो पीछे एसी आता है उसका क्या कहानी है भैया? चालू करा सकते हो, हम करके देंगे आपको। हाँ उसका एक ब्लोअर लगता है हाँ, उसके बाद पूरा डैशबोर्ड खुल के उससे कनेक्शन होता, कनेक्शन होता है और वो आपका आर्मरेस्ट चालू होता है। देखो आर्मरेस्ट तो मिल गया 3500-4000 का ठीक है, बट एसी चालू के लिए ना 3500-4000 रुपए और लगते हैं है ना हाँ। उसमें मेहनत लगती है, उसमें वो चीज लगती है, सामान भी लगता है, मेहनत लगती है। सेकंड चीज क्या होती है, गाड़ी अपनी छोटी है ना हाँ, मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं है, एसी ना कराओ चेंज तो ज्यादा सही रहेगा। पर किसी भाई को इंटरेस्ट होता है तो हम करके देते हैं। अगर देखने के पर्पज से बोले तो शॉपकीपर बोलता है ये भी लगा लो, वो भी लगा लो, फलान लगा लो, भैया आपको सही गाइड कर रहे हैं। आपके ना पैसे उतने ही खर्च करवाएंगे हाँ जी, कि जिससे नीड लगेगी और जिससे खुश रहेंगे, खुश रहेंगे। और क्या अभी हमारे पास आर्मरेस्ट हो गया, जैसे अभी डिग्गी पट्टी हो गया, ये डोर वाइजर हो गया, ये मतलब ये सारी चीजें लोगों ने बहुत सारी देखी हुई है। मैं आपको लाइव गाड़ी में लगी दिखा रहा हूं, आपने सुना होगा हाँ जी कि एक्सेसरीज पे 50% डिस्काउंट दे रहे हैं हाँ जी, उसको बोलो इस पे भी दे 50%। सही बात है। और डीआरएल पे भी दे, सही बात, टेल लाइट पे भी, टेल लाइट पे भी दे 50%। पता है कहाँ दे देते हैं हाँ जी, क्योंकि ये सारा मारुति सुजुकी के प्रिंट पे है हाँ जी, और ये नेक्सा के प्रिंट पे हाँ जी। आप ढंग से वीडियो सुनना हाँ, कि आपको डिस्काउंट नेक्सा जेन्युइन पार्ट, नेक्सा जेन्युइन पार्ट पे दे रहे हैं हाँ जी। आप जब बोलोगे ना कि भैया आपने तो मेरे को बोला था 50% नेक्सा जेन्युइन पे, देखो अब इसकी जो एमआरपी है हाँ जी, वो 4000 वन पीस की, वन पीस की। इसका मतलब मैं 50% देता हूँ, ये 2000 की होनी चाहिए। सही बात है। और दोनों दोनों मिरर हो गए अपने 4000 के, दोनों हो गए 4000, लगाने का हो गया 1500 खर्चा भैया, मान के चलो 2000 रुपए खर्च हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे। ये हमारे को 6000 रुपए की पड़ गई ठीक है, उसको बोलो लगा तू 6000 रुपए। सही, वो नहीं लगाएगा, पता है वो क्या बोलेगा? हाँ जी सर, हमने जो डिस्काउंट दिया था ना वो नेक्सा पे दिया था, हमने मारुति जेन्युइन पे नहीं दिया। नेक्सा जो देती है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो अपनी साइड फिटिंग हो गई, एक्सेसरीज, एक्सेसरीज हाँ, जो बाहर चिपकाने वाले आइटम होते हैं जितने भी, उन पर देती है। मारुति जेन्युइन है हाँ जी, ये मारुति का आएगा लोगो, इस पे सारी चीज ठीक है, ये मारुति का लोगो आएगा हाँ जी। अब इस पे ना, इस पे आपका जो लोगो है वो आपका ये नेक्सा पूरे डब्बे पे हाँ, ये बॉक्स ही नेक्सा लिखा होगा हाँ। है मारुति का पार्ट ये भी, है मारुति का पार्ट ये भी, लेकिन ये खाकी डब्बे में आता है, ये वाइट डब्बे में आता है।
हमें खुद पता है कि नाम क्या है, जो बलिनो या फ्रॉन्स या कोई ब्रीजा है, कोई भी गाड़ी निकल रही है मारुति, मारुति में हम नेक्सा के शोरूम जाते हैं ना, हाँ जी, कि नेक्सा चलना है, हाँ तो नेक्सा ही मारुति है, सही बात ये है, साथ में ही है, तो है साथ में ही है। मैं कंडीशन ये बता रहा हूँ कि कंफ्यूज मत हो किसी से भी, है ना, पूरा रेट लो, ठीक है, हाँ, ये नहीं खाली एक चीज का रेट पूछ लिया, दो चीज का पूछ लिया, तीन चीज का, हाँ जी, उससे पूरी लिस्ट बनवाओ, ठीक है, डोंट गो फॉर द ओनली कंपनी के प्रोडक्ट पे, खाली कंपनी के प्रोडक्ट मत भेजो, आप बेस मॉडल लाते हो, आपकी गाड़ी में 50 काम होते हैं, सही बात है, ठीक है भाई, तो 50 काम तो आप कराओ, लेकिन पूरे 50 का लिस्ट बनाओ पहले, हाँ, जो आपकी नीड है, हाँ, नहीं तो देखो अब ये है, मैंने ये 10,000 की है, मैंने इसका रेट लगा दिया चलो 6,000, मैं इसमें 4,000 का लॉस कर लिया, हाँ, सर उसके अलावा 49 आइटम्स और भी तो बची है, उस पर हम कर लेंगे, कटर कर दूंगा 500 रुपए करके भी करेंगे, तो उसका वैल्यू के साथ 5-7 पीस में मेरे ये वाले पैसे रिकवर हो जाएंगे। सर हम जो रेट देते हैं ना, हाँ, खाली मेरे पास यही लगवाने आ जाओ तब, हाँ, भी मैं लगाने की देर के कैपेसिटी रखता हूँ भाई, सही बात है भाई, ये सारी जेन्युइन पार्ट्स, बाकी इनके पास वैरायटी की बात करूँ तो ये देखो स्पीकर की इतनी सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी, एम ट्रैक्स, JBL, DD ऑडियो, इन्फिनिटी, मोरेल, ब्लॉपर, ठीक है, JBL की अलग अलग सीरीज, इन्फिनिटी, ठीक है, ठीक है भाई, उसके बाद जो फोकल, हाँ, पाइनियर, एवेटार, इतने सारे FBX, ब्रांड आपको कंपोनेंट में, स्पीकर्स में कहीं नहीं मिलेंगे, जो कि इनके पास, ये पूरी ट्रे देख लो, ये पूरी, अरे एक नहीं, सिर्फ एक स्पीकर नहीं, कि दो रख दिए, ये देखो पूरी लाइन सेम कंपनी, सेम कंपनी, सेम कंपनी, देख लो जो चीज है, एक अपने बॉक्स पे, हाँ जी, डीडी, मोरेल, मोरेल, इन्फिनिटी, सही बात है, इन्फिनिटी, सही बात है, JBL, JBL, MTX, तो भाई ये सारी चीजें आप लोग इंस्टॉल करा सकते हो, बाकी बात करते हैं एलईडी की, तो ये कुछ एलईडी लाइन से अपनी, ये अपने जो बूफर्स हो गए, बूफर्स हो गए, हाँ जी, माय फेवरेट ब्रांड इज किंग पावर है, एमट्रेक्स, इसकी एलईडी लगाने के लिए मैं बहुत खुश रहता हूँ, अच्छा, और सबसे अच्छा लगता है और सबसे अच्छी मैं अपनी गाड़ी में यूज करता हूँ, चलो बहुत बढ़िया, और यहाँ पर एंड्रॉइड की बात करें तो ये देखो ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है ये पूरा एंड्रॉइड वाला सेक्शन हो गया, ब्लॉकबस्टर, ब्लॉपंक, अनप्लग, वर्ल्टेक, हाइपरसोनिक, तो Z ब्रांड जो आपको चाहिए ना वो आप लोगों के आशीर्वाद, वन स्टॉप है, वन, एक बार आप आएंगे तो देखो सीट कवर्स में, हाँ जी, एक से लेकर एंड, एक दो तीन चार पाँच, इसमें से अपने जो रॉयल टच लगाया था कौन सा वाला, ये है वो, हाँ। इसके बाद भी दो क्वालिटी और है आपके लिए भाई, स्टार्टिंग क्वालिटी है, स्टार्टिंग क्वालिटी ये है, देन ये, देन ये बीच की क्वालिटी होगी, इम्पोर्टेड नापा, न्यूबर्ग, रॉयल टच, सोफा लेमिनेशन, सोफा प्रीमियम, बहुत बढ़िया। अब क्या होता है सर कि मैंने आपको बता दिया रॉयल टच, हाँ जी, आपने अभी कपड़ा देखा नहीं है, हाँ जी, आप जब आएंगे ना फील एंड टच करेंगे तब आपको पता लगेगा कि रॉयल टच कहते क्या तो फर्क है। तो किसी की भी दुकान पे जाओ आप बोलोगे रॉयल टच वाला सीट कवर है, हाँ। रॉयल टच कपड़े में वो तो जिस मर्जी को इसको ही आपने पकड़ के फील ही नहीं लिया, आपने पकड़ के फील ही नहीं लिया कभी, तो एक बार इसे पकड़ के देखो, एक बार इसे पकड़ के देखो, इसे पकड़ के देखो, सॉफ्टनेस देखो, बहुत सारी चीजें होती है वो यहाँ पे आगे आपको पता चल जाएगी। तो फ्रोन्स के सारे आइटम, सारी एसेसरीज इनके पास अवेलेबल है, वन स्टॉप है, सीधा आपको आना है कृष्णा कार श्रृंगार पे, करोल बाग में, कॉर्नर की होटल आनंद के सामने की बिल्कुल शॉप मिलेगी आपको, फ्लैश होता है आराम से नाम के कॉल करो, हाँ फोन करो, जो पूछना है पूछिए, आने आने के टाइम पे फोन कर दो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूंगा, वेल एंड गुड आप आ जाएंगे, फिर आप लोगों के आशीर्वाद प्यार से काम करेंगे गाड़ी के अंदर, ठीक है, उसके बाद आप खुश हो, हम जी मैं हमेशा हर वीडियो के अंदर आपको टोटल वैल्यू जरूर बताता हूँ गाड़ी में, टोटल काम कितने का हुआ, ये सारी चीज जितने भी हमने लगा के पूरा परिवार लगा के दिया है जो हमने, वो अप्रोक्स कितने का हुआ था, तो भैया ने बताया था 60-65-70 हजार के अंदर ये वाला काम हो जाता है, 67,000 ये लो आपके सामने है, 67,000 आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, तो भाई 67,000 में इतना सब कुछ लग चुका है, आपकी गाड़ी बेस्ट टू टॉप हो चुकी है, उसके बाद अगर आपने जैसे क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, एक स्टीरियो ये रहा, हाँ जी, जो 6,000-7,000 रुपए का, ठीक है, एक स्टीरियो ये 35,000 रुपए, तो सर फर्क पड़ता है हर चीज से, सही बात है, कि आप क्या लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, एवरीथिंग इम्पोर्टेंट सर। चलो भाई, तो भाई इसी तरीके से आप लोग विजिट कर सकते हो भैया की शॉप पे, भैया का नाम है सूरज और शॉप का नाम है कृष्णा कार श्रृंगार, और जो कृष्णा भैया है वो यहाँ पे खड़े हुए हैं, कृष्णा भाई हमारे यहाँ पे, सूरज भाई यहाँ पे, यही दो भाई मिलेंगे, नंबर पे कॉल करो आपको लोकेशन मिल जाएगी, मैं मिलूंगा या भाई मिलेगा, भाई मिलते ही मिलते हैं, मतलब यह 99% मिलते हैं, 1% इनको भी कुछ काम होता तो नहीं मिलता, या 1% इनको भी कुछ काम होता तो ये दोनों में से कोई एक जरूर मिलता है, साथ में पापा होते हैं, हाँ जी, पापा जी हैं और मैनेजर है, मैनेजर है, मैनेजर तो 100% होगा, उनमें से एक बंदा जरूर मिलेगा।
मिलेगा। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो भाई फिलहाल के लिए करते हैं वीडियो कॉन, वीडियो चल गई तो लाइक शेयर कमेंट, मिलते हैं फिर किसी एक नई फ्रॉम्स के साथ। टिल देन पीस आउट।